वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में देखने के लिए तैयार हो जाइए। राजवीर और उसके साथ साथ शौर्य मिलकर बचाने वाले हैं एक दूसरे को। पलकी की गुहार की वजह से बचाएगा शौर्य राजवीर को। आने वाले एपिसोड में काफी ज्यादा बड़ा हंगामा होने वाला है। दो सबसे बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं कहानी के अंदर, कौन कौन से चलिए आपको बताते हैं, जो कि कहानी के रुख को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। लेकिन इन सभी बातों को बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं और आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट देते रहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और वैसे चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने वालों को यहां पर वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट दिया जाएगा और यहां पर उनकी पूरी तरह से प्रोफाइल चैनल पर यहां पर शो करेगी। तो जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेंबरशिप तो ज्वाइन जरूर कर लेना। अब बात करते हैं यहां पर आने वाले एपिसोड के बारे में। तो आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा कोशिश की जाने वाली है एक तरफ पहले बड़े ट्विस्ट को लाने की, वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि यहाँ पर निधि की तरफ से, कि आखिर में प्रीता को इसी रास्ते से पूरी तरह से उसे साइड कर दिया जाए। यहाँ पर गुंडों को पैसे देकर, उसके साथ साथ पैसों का लालच देकर काफी ज्यादा बड़ा काम करवाने वाली है कि प्रीता को उस रास्ते से हटा ही दिया जाए। लेकिन क्या गुंडे उसकी बात मानेगी? क्या होगा खास? क्या सच में यहाँ पर अब निधि कामयाब हो पाएगी? इसके बारे में डिटेल वीडियो जल्दी देखने को मिल जाएगी। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जहां पर राजवीर अब गुंडों से लड़ा है उस फाइल को पूरी तरह से बचाने के लिए, और उसे पता चल चुका है कि पांडे ने ये सब करवाया है, जिसके बाद में अब यहां पर राजवीर खुद पांडे का दुश्मन बनने वाला है। यानी कि अब यहां पर पांडे की खैर नहीं। वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि अब कहानी के अंदर एक और नया ट्विस्ट आएगा जिसमें राजवीर और शौर्य दोनों एक दूसरे की हेल्प से उस फाइल को बचाएंगे और राजवीर की मदद करने के लिए शौर्य पहुंचेगा सिर्फ पलकी के कहने पर। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है सब देखने के लिए कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।